सुंग वंश से संबंधित 50 प्रमुख सामान्य ज्ञान। नंबर एक, सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 150 ईसा पूर्व में। नंबर दो, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर पुष्यमित्र सुंग ने। नंबर तीन, पुष्यमित्र सुंग किस जाति से संबंध रखते थे? उत्तर ब्राह्मण जाति से। नंबर चार, सुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? उत्तर पुष्यमित्र सुंग। नंबर पांच, किस वंश को समाप्त करके सुंग वंश की स्थापना की गई? उत्तर मौर्य वंश को। नंबर छह, सुंग वंश का साम्राज्य कितने वर्षों तक रहा? उत्तर 112 वर्षों तक का। नंबर सात, किस मौर्य शासक को मारकर पुष्यमित्र सुंग राजा बने? उत्तर बृहद्रथ मौर्य को। नंबर आठ, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर देवहूति। नंबर नौ, बोध चैत्य भवन का निर्माण किस काल में हुआ था? उत्तर सुंग काल में। नंबर दस, महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? उत्तर व्याकरण की। नंबर 11, सुंग वंश के शासक किस धर्म को मानने वाले थे? उत्तर वैदिक धर्म को। नंबर 12, पुष्यमित्र सुंग राजा कब बने? उत्तर 185 ईसा पूर्व में। नंबर 13, बृहद्रथ मौर्य की हत्या किसने की थी? उत्तर पुष्यमित्र सुंग ने। नंबर 14, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस राजा के समसामयिक थे? उत्तर पुष्यमित्र सुंग के। नंबर 15, सुंग वंश के कितने शासक हुए? उत्तर 10 शासक। नंबर 16, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर पतंजलि। नंबर 17, अग्निमित्र सुंग ने कहां की राजकुमारी से विवाह किया था? उत्तर विदर्भ की। नंबर 18, सुंग राजवंश के शिलालेख किस स्थान पर मिले? उत्तर जालंधर में। नंबर 19, सुंग वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? उत्तर पुष्यमित्र सुंग ने।
20, भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय किस राजा को जाता है? उत्तर, पुष्यमित्र शुंग को। नंबर 21, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर, अग्निमित्र शुंग। नंबर 22, विदर्भ की किस राजकुमारी के साथ अग्निमित्र शुंग ने विवाह किया था? उत्तर, मालविका के साथ। नंबर 23, विदर्भ की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र शुंग के विवाह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? उत्तर, मालविकाग्निमित्र में। नंबर 24, मालविकाग्निमित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर, कालिदास ने। नंबर 25, अग्निमित्र शुंग की पहली पत्नी का नाम क्या था? उत्तर, धारिणी। नंबर 26, अग्निमित्र शुंग की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? उत्तर, इरावती। नंबर 27, अग्निमित्र शुंग की तीसरी पत्नी का नाम क्या था? उत्तर, मालविका। नंबर 28, अग्निमित्र शुंग की कितनी पत्नियां थी? उत्तर, 3। नंबर 29, अग्निमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर, वसुमित्र। नंबर 30, अग्निमित्र के पिता का नाम क्या था? उत्तर, पुष्यमित्र शुंग। नंबर 31, अग्निमित्र के शासनकाल में शुंग वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर, विदिशा। नंबर 32, कालिदास को किस शुंगवंशी राजा का समकालीन माना जाता है? उत्तर, अग्निमित्र शुंग का। नंबर 33, अग्निमित्र शुंग की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर, कोसल से। नंबर 34, पंचाल में प्राप्त मुद्राओं पर किन विद्वानों शोध किया था? उत्तर, रेप्सन और कनिंघम ने। नंबर 35, शुंग वंश के द्वितीय राजा कौन थे? उत्तर, अग्निमित्र शुंग। नंबर 36, शुंग वंश के तृतीय शासक का नाम क्या था? उत्तर, वसुज्येष्ठ शुंग। नंबर 37, शुंग वंश के चतुर्थ राजा का नाम क्या था? उत्तर, वसुमित्र शुंग। नंबर 38, वसुमित्र के पिता का नाम क्या था? उत्तर, अग्निमित्र शुंग। नंबर 39, वसुमित्र शुंग की माता का नाम क्या था?
उत्तर धारणी। नंबर 40, वसुमित्र की हत्या किसने की? उत्तर मुजदेव ने। नंबर 41, वैदिक धर्म का पुनः उद्धार किसको माना जाता है? उत्तर पुष्यमित्र शुंग को। नंबर 42, किस शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? उत्तर यूनानी शासक मिनांडर को। नंबर 43, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? उत्तर 2 बार। नंबर 44, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? उत्तर पुष्यमित्र शुंग के। नंबर 45, बरहूत स्तूप का निर्माण किस शुंगवंशी शासक ने करवाया था? उत्तर पुष्यमित्र शुंग ने। नंबर 46, शुंग वंश की समाप्ति पर किस वंश का उदय हुआ था? उत्तर कण्व वंश का। नंबर 47, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि का नाम क्या था? उत्तर हर्षवर्धन। नंबर 48, शुंग वंश से पहले कौन सा वंश अस्तित्व में था? उत्तर नंद वंश। नंबर 49, पुष्यमित्र शुंग की गोत्र क्या थी? उत्तर भारद्वाज। नंबर 50, पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया था? उत्तर 36 वर्षों तक।